दोस्तों, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है डिज़ाइन ईवो। डिज़ाइन ईवो सर्च करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आपके नीस के अकॉर्डिंगली भी आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएगी, जैसे एनिमल, आर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, एजुकेशन, फैशन, फूड इंडस्ट्री और काफ़ी सारी नीस के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी टेम्पलेट्स। तो आप अपने नीस के अकॉर्डिंगली टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। मैं एक लोगो आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे एडिट होगा। बहुत ही दोस्तों, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका। तो कंपनी नेम पे हम डबल टैप करेंगे, तो फिर यहाँ पे आप अपने कंपनी का या फिर ब्रांड का नाम दे सकते हैं। टेक्निकल है, मैंने यहाँ पे अपना ब्रांड का नेम दे दिया है। और यहाँ से अगर आपने अपने ब्रांड का कोई स्लोगन डिसाइड करके रख लिया है तो आप अपना यहाँ पे स्लोगन दे दें, जैसे स्लोगन देने के बाद आप इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो कि आपको पसंद है। यहाँ से आप अपना कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और अब आप इस टेम्पलेट में सेप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सेप ऐड करने के लिए आपको ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से, आपको यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएगा। लाइन हो गया, सॉलिड सेप हो गया, तो मैं फिलहाल आपको ये रिंग वाला दिखाता हूँ अपलोड करके। तो आप इस सेप का भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप इसे रोटेट भी करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। बाकी तो दोस्तों, एडिट करने के बाद आप इसे यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। सेव करने से आप पूछेगा कि ये जेपीजी में या पीएनजी या फिर ट्रांसपेरेंट पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, तो मैं पीएनजी सेलेक्ट करता हूँ। तो ये आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, कितने कम टाइमों में ये प्रोफेशनल लोगो तैयार हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और उस घंटी को आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।